अच्छा सर, लास्ट सेगमेंट हमारा बड़ा बड़ा प्रोडक्टिव था। हमने टेक्निकल और स्किल बेस्ड एजुकेशन की बात की, एक फीडबैक भी अच्छा रहा, तो मैंने सोचा कि एक सेगमेंट इस पे और जरूर करें ताकि जो हमारे सुनने वाले और देखने वाले हैं उन्हें ये भी पता चल सके कि स्किल बेस्ड एजुकेशन जरूरी तो बहुत है, लेकिन किन किन सोसाइटी के सेगमेंट्स और स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व किया जाता है, क्या वो रोल प्ले कर सकते हैं कि जिससे ये सोसाइटी में एक्सेप्टेबिलिटी आए इस चीज की और हम और ज्यादा इस चीज को आगे ले जा सकें। जी, मेरे पास भी कई दोस्त इस तरह पूछते हैं। वो कहते हैं लेक्चरबाजी करने वाले हमारे पास बेताशा है, हर बंदा आ जाता है, तकरीर कर जाता है, लेक्चर दे जाता है, बताएं कि करना क्या है और कैसे करना। बिल्कुल आज हम वी टॉक अबाउट दिस थिंग कि डिफरेंट हमारे स्टेक होल्डर्स कैसे इन्वॉल्व हो सकते हैं। बिल्कुल सबसे पहली बात तो यह है कि एजुकेशन को स्किल बेस्ड में कन्वर्ट करना है हमने डिग्री से, उसमें स्टेक होल्डर्स कौन है? ठीक है, सबसे बड़ा बिल्कुल स्टेक ठीक है, होल्डर तो इंडिविजुअल्स हैं, स्टूडेंट्स हैं हमारे, यूथ बिल्कुल हमारी जिसे आप कहते हैं, जिसका बल्ज हो रहा है इस वक्त, जो जी आप जी बहुत बड़ा, जी प्रॉबेबली या द मोस्ट अपेरेंट एंड मोस्ट अवेलेबल रिसोर्स इस वक्त हमारा। ठीक है, तो सबसे बड़ा, वाइब्रेंट भी सर। उसके बाद फिर ऑब्वियसली उनकी फैमिलीज हैं, पेरेंट्स हैं, फिर टीचर्स हैं, टीचर्स बिल्कुल बिल्कुल ऐसे बिल्कुल हैं हमारे, हमारी गवर्नमेंट उसमें डेफिनेटली बड़ा स्टेक होल्डर है, सोसाइटी एट लार्ज वाइटल रोल में, प्ले कर। जी अफराद के हाथों में है अकवाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सर, इंडिविजुअल इंडिविजुअल एड टू मेक द नेशन, तो वो हमारे या स्टेक होल्डर्स हैं। उसके बाद जो बिल्कुल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं जो हमारी लैंडस्केप फॉर्म करते हैं, जिसमें जहां पे आपको एजुकेशन मिलती है, जिस तरह की भी मिलती है, चाहे डिग्री बेस्ड है, चाहे स्किल्स बेस्ड जी बिल्कुल ऐसे है या नॉन टेक्निकल है। उसके अलावा हमारा एक ह्यूज तबका, जिसे हम एजुकेशन की बात करते हुए हमेशा इग्नोर कर जाते हैं, वो हमारा मदरसों का मजहबी तबका है, जो एजुकेशन को एक ओके टोटली हाँ डिफरेंट तरह से देखता है। उसे हम, जी बिल्कुल मैं बार बार प्राइम मिनिस्टर की बात इसलिए करता हूं कि उन्होंने हर सोसाइटी के हर ऐसे इशू को रेज किया है जो हमें हमें परेशान करता रहा है, जिसकी वजह से हमें नुकसान होता रहा है। तो उन्होंने ये बात, जी हाँ, ठीक बात है उन्होंने हमेशा की है कि आपके तीन तीन निजामे तालीम चल रहे हैं एक मुल्क में, और तीन निजामे तालीम का नतीजा भी आप देख रहे हैं, जिनमें से एक निजामे तालीम है अंग्रेजी निजामे तालीम, या जो जो आपके एक तो नंबर वन रूलर्स प्रोड्यूस करता है, जो मोस्टली मोस्टली जो आपके एलिट इंस्टीट्यूशंस में पढ़ते हैं, फिर बाहर जाके पढ़ते हैं, वो आपके रूलर्स बनते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो रूलर्स नहीं बन सकते उस निजामे तालीम के नतीजे में, वो इंतहाई कंफ्यूज लोग होते हैं, जिन्हें अपनी आइडेंटिटी का भी पता नहीं होता, और जो मुआशरे में एक एक्सट्रीमली अनफिट रोल प्ले करते हैं। दूसरे वो लोग हैं, बिल्कुल ऐसे ही है, आइडेंटिटी का शिकार होते हैं बेसिकली। दूसरा वो तबका है हमारा जो बाय एंड लार्ज मेक्स द बल्क ऑफ द सोसाइटी, जो गवर्नमेंट स्कूलों में जाते हैं, या जिनकी अफोर्डेबिलिटी कम नहीं है, जो बिल्कुल इसकी चीजें उन्हें करनी है कि चूंकि चीजें करनी है, ठीक है ना, उन्हें 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 इस चीज का आइडिया होता है लेकिन इदराक नहीं होता सही से कि उनका रोल क्या होगा इस सोसाइटी में। उन्हें पता है कि वो रूलर नहीं बनेंगे, दे नो अच्छा क्लियरली, उनमें से ठीक कोई है ठीक का बहुत कम लोग हैं जो आगे आ जाएं, है। हाँ लेकिन बहुत कम लोग ज्यादातर आगे आएंगे ज्यादातर या लोग स्ट्रगल कर। तीसरा आपका जो बिल्कुल मेन मेन स्टेक होल्डर है इसमें, स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, वो एक एक तबका है रिलीजियस एजुकेशन का, जिन्होंने अपने आप को आइसोलेट किया हुआ है, और हमने उन्हें, द मेन स्ट्रीम सोसाइटी ने उन्हें फर्दर आइसोलेट कर दिया है, विद आवर एक्शंस, विद आवर रेटरिक, विद आवर अच्छा नैरेटिव, सब चीजों के साथ। ठीक है ना। अच्छा, अब सबसे पहली बात तो ठीक यह है है बिल्कुल कि सबसे पहली बात तो यह है कि जिस तरह इस्लाम एक इंक्लूसिविटी की तालीम देता है, मोस्ट मोस्ट रिलीजन्स, मोस्ट सोसाइटीज बाय एंड लार्ज, जी हाँ, इस चीज को प्रमोट करती हैं कि आप इंक्लूसिव एटीट्यूड रखें, इंक्लूसिव पॉलिसीज बनाएं, इंक्लूसिव कल्चर होना चाहिए आपका, जिसमें आपको शामिल कर सकें, अपार्ट फ्रॉम फ्यू जिनमें बिल्कुल जात ऐसे पात का निजाम कायम है या नस्लों की बुनियाद पे वो तफरीक करते हैं, लार्जली इंक्लूसिविटी होनी। चार्जिंग बिल्कुल एक मेजर अब हम पोर्शन कर इसकी क्या सकते हैं, कर क्या सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको एक इंक्लूसिविटी, आपने अब मौजूदा हुकूमत ने पाकिस्तान में एटलीस्ट ये शुरू कर दिया है कि एक निजाम है निसाबे तालीम, ठीक है, बिल्कुल जिसपे हर तरह की यह ऑब्वियसली फीडबैक भी आ रही है, लड़ाइयां भी हो रही हैं, सब कुछ हो रही है, लेकिन इट्स अ गुड स्टेप, स्मॉल स्टेप बट गुड स्टेप इन दैट डायरेक्शन। अब बाकी स्टेक होल्डर्स कैसे रोल प्ले कर सकते हैं इसमें? सबसे पहली बात जी तो यह है कि एज ए सोसाइटी एज अ होल, आपके इंटेलेक्चुअल्स हैं, आपके जर्नलिस्ट हैं, सीनियर एंकर्स हैं, गुरुज हैं, एक्सपर्ट्स हैं, ये सारे जो
दिन रात बोलते रहते हैं और मुआशरे में तफरीक पैदा करने की कोशिश करते हैं, उन्हें अपना रवैया सबसे पहले बदलना होगा, उन्हें चीजों को डिफरेंट तरह से देखना होगा। इन्फ्लुएंसर्स को पॉजिटिव रोल प्ले करना पड़ेगा बजाय नेगेटिविटी के और पिन पॉइंट करने के इस तरह की चीजों, और अगर वो नहीं करते तो उन्हें टीआरपी या वॉचिंग आईज जो आपकी है वो आप प्रोवाइड करते हैं, आप एज ए सोसाइटी, हम लोग हैं। इन्फ्लुएंस देम, वी नीड टू इन्फ्लुएंस द इन्फ्लुएंसर टू प्ले दैट रोल, ठीक है ना, कि बदमाशी कम करें, तफरीक कम करें, इंक्लूसिविटी क्रिएट करें, तफरीक कम करें, और हमें भी सोचना है, मतलब वो बेशक इन्फ्लुएंसर्स होंगे, मीडिया पर्सन्स होंगे, लेकिन सोसाइटी का एक मेजर चंक हम लोग हैं, और हम उन्हें बता सकते हैं कि हमारे लिए ये जरूरी है, इस पे बोला जाए, ओपिनियन लीडर्स को टॉपिक हम दे सकते हैं। देखिए मदरसों में क्यों जाते हैं लोग, मदरसों में जाने की दो तीन रीजन है, जिनमें रिलीजियस रीजन अनफॉर्चुनेटली इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन इट्स नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन टू गो टू मदरसा। बिल्कुल ऐसा ही है, सोसाइटी सोशल नेट का गैप जो है, बेशुमार लोग जो है जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनकी अफोर्डेबिलिटी, बच्चे ज्यादा लेते हैं लेकिन उन्हें अफोर्ड नहीं कर सकते, मदरसे में हम लोग, वैसे हमारा जो भी कैरेक्टर हो, लेकिन हम लोग चैरिटी देने में बहुत आगे हैं, तो हम लोग मदरसों को चैरिटी, क्योंकि हमारा ख्याल है जरूरी नहीं है ये कि उनका डायरेक्ट अल्लाह ताला से कोई लिंक है, तो उन्हें अगर हम पैसे देंगे तो अल्लाह ताला हमारे सारे गुनाह माफ कर देगा, जो हम खत्म करने का कोई इरादा नहीं रखते, हम करते जा रहे हैं वो, लेकिन ये कि चैरिटी मिलती है उन्हें, बहुत ज्यादा पैसे मिलते हैं, ठीक है ना सर, वो हमारे कॉम्प्लेक्सेस हैं जो हमें लगता है कि हम वहां जाके चैरिटी करके अपने गुनाह माफ करवा सकते हैं, जो हम खुद काबू नहीं पाना चाहते, हरकतें ज्यादा हैं कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना, बिल्कुल। अच्छा अब ये मेन रीजन है, फ्री बोर्डिंग लॉजिंग मिलती है बच्चों को वहां पे, वो रहते हैं जो बोर्डिंग लॉजिंग, लेकिन ये कि वो लोग कट ऑफ है मेन स्ट्रीम सोसाइटी से। सर मैं इसी बात की तरफ आ रहा था कि आपने कहा कि वो आइसोलेट है, उस आइसोलेशन को खत्म कैसे किया जा सकता है, जो सबसे ज्यादा जरूरी बात, जब आप सोचना शुरू करते हैं ना तो रास्ते खुलना शुरू हो जाते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, सोचना शुरू कर दें, आपके जितने मेन स्ट्रीम इंस्टीट्यूशन है वो इन्हीं वजूहात को सामने रखते हुए कि जी क्यों लोग मदरसों में जाते हैं, ऐसे प्रोग्राम्स इजीली क्रिएट कर सकते हैं, गवर्नमेंट कैन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल बाय मेकिंग अ पॉलिसी के हर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, चाहे लोअर लेवल पे है चाहे हायर लेवल पे है, दे मस्ट क्रिएट ए बॉडी विद इन दैट बॉडी, ऐसा डिपार्टमेंट या फैकल्टी होनी चाहिए जिसमें सारे रिलीजियस उलूम हो, और हम रिलीजियस इल्म हासिल करने वाले बच्चे पे डुअल डिग्रीज का वेरी कॉमन कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, या तो आप हाइब्रिड डिग्री बना दें कि आपके साइंसी टेक्निकल उलूम भी उसमें शामिल होंगे, ताकि जो बच्चा अपनी रिलीजियस एजुकेशन कंप्लीट करके निकले उसका स्किल लेवल दुनिया के मामलात के हिसाब से कंटेम्पररी हो, ठीक है, क्या प्रॉब्लम, सर्वाइव कर सके, उसमें प्रॉब्लम कोई नहीं है, ठीक है ना, जो लोग चैरिटी वहां पे दे रहे हैं, मगरबी दुनिया में, अमेरिका में, हर जगह पे डोनेशन देने का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को बहुत कॉमन कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल ऐसे ही, बहुत कॉमन है, अमीर लोग भी देते हैं, गरीब लोग भी देते हैं, सब डोनेशन और चैरिटी पे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन चलते हैं, हार्वर्ड जिसे आप मां समझते हैं सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, मदर ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशन, डोनेशन उसे उधर मिलते हैं, ठीक है, अमीर लोग इसलिए डोनेशन देते हैं कि अपने बच्चों को वहां पे भर्ती कराना चाहते हैं, और बाकी लोग इसलिए देते हैं जो कि वो तालीम की कदर करते हैं, तो हमारे इंस्टीट्यूशंस को क्यों नहीं दे सकते ये, ठीक है ना, बिल्कुल, बिल्कुल। आपके पास बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर है मदरसों से, आपके पास बेटर एजुकेशन की पॉसिबिलिटीज अवेलेबल हैं, रिसोर्सेज आपके अदरवाइज बेटर हैं, तो जब आप मजहबी आप क्रिएट करेंगे एलिमेंट वही उसी स्कूल में, मेन स्ट्रीम स्कूल में, तो उनका डायरेक्ट लिंक भी अल्लाह से हो जाएगा, लोग इस वजह से दे रहे हैं, ठीक है ना, जो चैरिटी दे रहे हैं उसे दे सकते हैं, हुकूमत इस चीज को इजिली प्रमोट कर सकती है, और इसी तरह वो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को एनकरेज कर सकते हैं, उन्हें फोर्स मत करें, एनकरेज करें, उन्हें ग्रांट्स दें कि अगर वो टेक्निकल एजुकेशन विद इन द मदरसा शुरू करते हैं उन्हें पैसे दे देंगे, जो विच इमरान खान गवर्नमेंट इन केपी में उन्होंने अकोड़ा खटक के मदरसे जो उन्हें दिए थे डोनेशन वगैरह उन्हें करके, जिससे काफी फर्क पड़ा था, तो इसमें मुझे आई डोंट अंडरस्टैंड कि क्या प्रॉब्लम है, मतलब उसी मॉडल को अप्लाई करने की जरूरत है अक्रॉस द प्रोविंसेस या नेशन के लिए। अब ये एक इंतहाई डिसिल्यूजन्ड माइंड है कि जी पतलून जो अंग्रेजों का लिबास है, अंग्रेजों का नहीं है लिबास पतलून, अंग्रेज तो घघरा पहनते थे, टर्किश पहनते हैं पेंट,
खिलाफत उस्मानिया जिसके लिए आप जान देने को तैयार थे और आप हिजरत मूवमेंट अभी भी हमें मिसालें सुनने को मिलती हैं, वो लोग पहनते हैं पतलून, उनका लिबास है, अंग्रेजों का लिबास घाघरा है। और सर जब हमारे रिलीजन में सतर की बात की गई है, वो सतर कंप्लीट कर रहे हैं, तो लिबास इज सेकेंडरी थिंग। हाँ, तो कीपिंग इन शॉर्ट, स्टेइंग ऑन फोकस्ड ऑन द सब्जेक्ट, ऐसी बेतुकी चीजें जो आपके जहन फैली हुई है कि ये चीजें आपको मुसलमान बनाती हैं, उनका उस इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, तालीम से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। इसलिए मुआशरे में तफरीक कम करें, आइसोलेशन खत्म करें, मेन स्ट्रीम इंस्टीट्यूशन अपनी रिलीजियस और कंटेम्प्रेरी एजुकेशन को मिक्स करें। और ये भी एक मिसनॉमर है कि हम रिलीजियस एजुकेशन को कंटेम्प्रेरी से इलहदा कर देते हैं। बिल्कुल, इस्लाम का इंतहाई एम्फेसिस है इस चीज पे कि आप कंटेम्प्रेराइज करें एजुकेशन को। बिल्कुल ऐसा ही है ना, इजमा करें, उसमें कंटेम्प्रेरी चीजें लाएं उसे। आपको पता है मुसलमानों को सबसे बड़ा नुकसान तालीम की मैदान में इसलिए हुआ, हम इसलिए पीछे गए कि प्रिंटिंग प्रेस को आपने हराम करार दे दिया। हमने उसे एक्सेप्ट ही नहीं किया था काफी अर्सा, हराम था, फतवे हैं उसके अगेंस्ट। जी बिल्कुल ऐसा ही है, अगर आप प्रिंटिंग प्रेस यूज करना चाहते हैं तो दायरा इस्लाम से इन लोगों के बकौल खारिज हो जाते थे, खारिज हो जाएंगे। तो जब प्रिंटिंग प्रेस आया तो यूरोप ने इन लोगों ने आपके उलूम लिए और उन्हें तेजी से धड़ाधड़ बांटना शुरू कर दिया और आपने अपने उलूम को फैलने, तो आप जहालत में चले गए। वो इसमें कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, कोई इतनी कंट्रोवर्सी नहीं है, सिंपल सी बात है। तो फैलाएं आप यूट्यूब को, फेसबुक को, इन चीजों को बंद करने के बजाय कि जी ये हो गया फला हो गया, इन्हें इफेक्टिवली यूज करें ना सर। मतलब हम बंद कर देते हैं एक चीज को, कदर लगा देते हैं उस पे, बजाय उसका एक अच्छा यूज और यूजफुल बनाने के। ये हमारा एक बड़ा अलमी है सर। और मिडिल ईस्ट में आपकी लार्ज वर्क फोर्स वहां पे जो काम कर रही है वो अनस्किल्ड है, जाहिल है, 10-10, 15-15 साल से वहां पे लोग काम कर रहे हैं और उन्हें वो एयरपोर्ट का एग्जिट फॉर्म भरना नहीं आता जिसमें नाम और पासपोर्ट नंबर लिखना होता है, वो लोगों की मिन्नतें करते फिर रहे होते हैं। The clear failure, not just on behalf of the government, but also the civil society as well. Yeah. कोई भी बंदा, कोई भी जो मिडिल ईस्ट या कहीं जाना चाहता है, उसे 1.5 से 2 साल लगते हैं अपने इंतजार में, चारपाइयां तोड़ने में वो पड़े रहते हैं। वो आप ये पॉलिसी बना दें कि जी आप जब तक उस मुल्क की एजुकेशन नहीं सीखेंगे, जब तक आपके पास हार्ड स्किल नहीं होगा, यू आर नॉट गोइंग। आप उसी 1.5 साल में बहुत कुछ सीख सकते हैं सर, और उससे आप ये सोचे कि आपका इकोनॉमिक इंजन कितनी तेजी से चलेगा। आप इंस्टीट्यूशन आएंगे जो ट्रेन करेंगे इन लोगों को रोजगार यहाँ पे भी मिलेगा, वो बजाय इसके के मुआशरे का नाकारा हिस्सा बनने के वो इफेक्टिव रोल प्ले करेंगे व्हाइल दे आर स्ट्राइविंग टू गो अब्रॉड। तो पॉइंट एक छोटा सा लेकिन उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है जो आपने बताया अभी। और दूसरा ये कि आप देखिए, अगर आप फ्री सोसाइटी बनाना चाहते हैं तो उसमें हमेशा तफरीक होगी, ठीक है, उसमें इंग्लिश मीडियम स्कूल होंगे, टॉप के स्कूल होंगे, फिर लोअर होंगे, फिर उससे लोअर होंगे। आप उन्हें पॉलिसीज से और प्रैक्टिसेस से इकट्ठा कर सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो जब आप ये पॉलिसीज बना रहे हैं तो इन चीजों को आप ज़हन में रखें। देखिए, दुनिया में टॉप के एजुकेशन सिस्टम जो कंट्रीज टॉप पे, उनमें फिनलैंड इज वन ऑफ दोस कंट्रीज। फिनलैंड हैज बीन ईदर ऑन नंबर 1 और ऑन नॉट यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है ना। फार ईस्टर्न कंट्रीज अब सामने आ रहे हैं। अब इन मुल्कों के निजाम आप स्टडी करें तो ये टीचर को बहुत ज्यादा अहमियत देते हैं। टीचर इज एज इम्पोर्टेंट एज योर मिनिस्टर्स, योर डॉक्टर्स, योर लॉयर्स, अदर प्रोफेशनल, दे पेड वेल, दे आर रिस्पेक्टेड। दिस इज नॉट ट्रू, हमारी सोसाइटी में ऐसा नहीं है, ठीक है ना। टीचर इज द लोएस्ट ऑफ द लोएस्ट क्लास ऑफ योर सोसाइटी, एजुकेशन में भी, सोशल स्टेटस में भी, पेमेंट में भी, ठीक है ना। तो जब तक आप उसे रेज नहीं करेंगे, बिल्कुल ऐसा ही है, आपका स्टैंडर्ड एजुकेशन का रेज नहीं होगा। देखिए, एक सिंपल सी बात है, मे बी इट्स टू हार्श, बहुत ये सख्त बात हो, लेकिन कहते हैं गार्बेज इन गार्बेज आउट। जब तक आपके टॉप ब्रेन्स, जब तक आपके टॉप ब्रेन्स इन्वॉल्व नहीं होंगे, आपके पास टॉप ब्रेन्स नहीं पैदा होंगे, नहीं आएंगे, बिल्कुल। उसके बाद फिर आप निसाबे तालीम में ये चीज आपके लाजमी कर दें, और ये एजुकेशन इंस्टीट्यूशन लेवल पे हो सकती है, इसके लिए गवर्नमेंट की, यूनाइटेड नेशंस का वेट करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आप जो भी बच्चा स्कूल में आएगा वो हार्ड स्किल और सॉफ्ट स्किल सीखेगा। सॉफ्ट स्किल वो स्किल होते हैं
जो आप कहीं भी किसी भी एरिया में काम करने चले जाते हैं, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, आपके मैनर्स हैं, आपके एवरीडे लिविंग है, सर्वाइवल स्किल्स हैं, वो सॉफ्ट स्किल्स होते हैं। हार्ड स्किल्स इंस्टीट्यूशन खुद भी डेवलप करेगा ना, तो लोग इस कॉन्सेप्ट को पसंद करेंगे और अडॉप्ट करेंगे ऑटोमेटिकली, जैसे आपने बात की, गवर्नमेंट को इसमें इन्वॉल्व होने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और इसकी शदीद जरूरत है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप सोशल मीडिया almost every person who can is using that, ठीक है? तो वहां पे जाके आप मीम बनाना बड़ी अच्छी बात है, we enjoy that, और दूसरे पे you know argument करना, लड़ना, तनकी, ठीक है, ये सब एक मुआशरे का हिस्सा होते हैं, लेकिन उन टूल्स को यूज करें एजुकेशन के लिए, अपने सियासतदानों को उन्हें इन्फ्लुएंस करें, उन्हें उन्हें मैसेजेस भेजें, आप लिखें छोटे छोटे मैसेजेस जो भी बना सकते हैं आप एज अ ग्रुप करें, एक दूसरे को फॉलोअर्स बढ़ाने के बजाय आप ये काम करें, इससे आपके फॉलोअर्स ऑटोमेटिकली बढ़ेंगे। तो सोशल मीडिया ने तो सर एसएस बहुत आसान बना दी है, आप इन्फ्लुएंसर तक, लीडर्स तक अपना पैगाम बड़ी आसानी से पहुंचा सकते हैं और पैसे भी बना रहे हैं लोग, ठीक है ना, यूट्यूब पे बेशुमार ऐसे लोग हैं और जिन्हें उर्दू बोलना क्या, आई मीन इंग्लिश बोलना क्या, उर्दू बोलना भी नहीं आती, चरपाइयों पे बैठे हो खाने बनाने की तरकीबें बता रहे हैं और वो उस पे पैसे कमा रहे हैं, ठीक है ना, या वो ट्रेडिशनल खाना बनाते हैं चरपाइयों पर, इस तरह का चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है, स्किल, ठीक है ना, इट्स अ स्किल, या इट्स स्किल, तो ये करें, आप में भी हर एक में स्किल कोई ना कोई, बिल्कुल यूज ऑल दोस, इंक्लूसिविटी, एंगेजमेंट और अपना रोल प्ले करके सारे सोसाइटी के इंस्टीट्यूशन ये कर सकते हैं, गवर्नमेंट का सिर्फ वेट मत करें, हमारी गवर्नमेंट वीक भी है, उसकी कैपेसिटी भी कम है और एबिलिटी भी कम है और उसमें बेशुमार लोग ऐसे हैं, स्पेशली ब्यूरोक्रेट्स ऐसे हैं जो काम करना नहीं चाहते बियॉन्ड देयर एक्सपेंडिंग देयर इन्फ्लुएंस, ठीक है, तो उसमें फिर हमारा चूंकि नुकसान है या हमारा फायदा है, तो हम लोगों को करना, नुकसान हमारा हो रहा है तो रोल भी हमें ही प्ले करना चाहिए सर, उसका अजाला भी हम करें, लैसल इंसान है इल्ला मासा, आप कोशिश नहीं करेंगे तो आपको उससे सिला नहीं मिलेगा, दैट्स ऑल आई हैव टू से। सो दोस्तों हमें लिखिए, हमें बताइए, हमारे साथ शामिल हों और जो चीजें हम आप करना चाहते हैं वो हमसे शेयर करें, इफ यू वांट टू कम एंड स्पीक इन आवर प्रोग्राम यू आर वेरी वेलकम टू टॉक अबाउट इट इज वेल।